Hey, hello everybody, welcome back with a new video. मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अभी। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक नई सीरीज यानी कि पार्ट वन। अब मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा कि मार्केट में काफी ज्यादा पैटर्न चलते हैं। हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं, वो ग्राफ के ऊपर बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिसके बारे में मैं सीरीज भी लेके आ चुका हूं। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पूरी अलग चीज होती है। मार्केट को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो सारी अलग चीजें हैं। मार्केट में हम ग्राफ को रीड कैसे करें लाइव सिनेरियोस में, वो अलग मैटर आता है सारा, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स अलग आता है। तो इसके ऊपर ये पूरी सीरीज होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। आज की इस वीडियो में जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है। आने वाले टाइम में मार्केट के फ्लो के ऊपर ट्रेड लेना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड बहुत सारी चीजें। मार्केट में अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होता है तो उस बेसिस पे उसके हिसाब से आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। न्यूज इंपैक्ट पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि इतने सारे टॉपिक है ना भाई जो आप सोच भी नहीं सकते, और सारे के सारे टॉपिक्स अगर आप एक बार सीख गए तो मुझे लगता नहीं कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप सीख चुके हैं, मार्केटिंग इंपैक्ट और एनालाइज कैसे कर सकते हैं मार्केट को आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी आप सीखने वाले हैं। मुझे नहीं लगता उसके बाद आपके और ट्रेडिंग के बीच में कोई भी आने वाला, इवन मैं भी नहीं, क्योंकि फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये है इस सीरीज का पूरा मैटर, जैसे कि अभी आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि बॉडी और शेडोज है। यार, जिन लोगों को नहीं पता कि बॉडी क्या होती है, शेडो क्या होती है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूं। देखो, ये जो लाइन आपको दिख रही है, तो ये जो लाइन होती है ना, ये होती है शेडो। और ये जो आपको छोटी सी कैंडल दिख रही है, यानी कि छोटी सी रेड कलर की और ग्रीन कलर की छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो बेसिकली यहां पे इस पूरे ग्राफ के ऊपर आप देखेंगे तो इस पूरे ग्राफ के ऊपर आपको जो दिखेगा वो सिर्फ शैडो दिखेगा, बॉडी आपको बहुत ही छोटा दिख रहा है यहां पे आप फोकस करेंगे। तो ऐसे मार्केट पे, यानी कि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल जब मार्केट होता है, तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। यहां पे आप टाइम देखेंगे, 1 मिनट का टाइम सिलेक्टेड है, यानी टाइम फ्रेम सिर्फ 1 मिनट मैंने किया है। चाहता तो मैं एक दिन भी कर सकता था, मेरे लिए आसान हो जाता आप लोगों को समझाना, लेकिन लोग जो ट्रेड लेते हैं वो 1 मिनट के चार्ट टाइम पे लेते हैं। तो इस मार्केट पे कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि जब मार्केट वोलेटाइल हो तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, समझ गया। उसके बाद जब मार्केट इंपैक्ट अप डाउन होता रहता है, यानी कि ऐसा वोलेटाइल नहीं रहता, बॉडी और शेडो में से ज्यादा हमें शेडो देखने को नहीं मिलती है, बॉडी ज्यादा देखने को मिलती है, उस मार्केट पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। चलिए करेंसी चेंज करते हैं और आपको बताता हूं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं मैंने करेंसी चेंज कर दी है। यहां पे करेंसी है BTC USD, जो कि पहले गोल्ड था, ठीक है। टाइम फ्रेम 1 मिनट है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट आपको दिख रहा है। यहां पे आपको कांस्टेंट ग्रो दिख रहा है, यानी कि यहां पे आपको एक फ्लो दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़े से ब्रेकडाउन जरूर है, उसके बाद अपवर्ड, देन थोड़ा सा ब्रेकडाउन, देन अपवर्ड। तो यहां पे इस फ्लो में, यानी कि जब आपको ट्रेंड पता है, अगर मैं इस चार्ट को एक दिन के लिए करूंगा ना, यहां पे 1 मिनट है, 1 डे के लिए अगर मैं स्टार्ट को करता हूं तो मुझे कॉन्स्टेंटली ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी, डायरेक्टली, डेफिनेटली, मुझे पता है। एक बार चेक करके आपको दिखाता हूं, आपको भी समझ आ जाएगी चीजें। ओके, तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इसे 1 मिनट की जगह पे एक दिन का चार्ट करते हैं तो आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो कॉन्स्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक दिन के लिए चार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहने वाला है, यानी ग्रीन कैंडल्स ही आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके से मार्केट को हम एनालाइज कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वे जो आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगे इस सीरीज के साथ। मेक श्योर फॉलो जरूर करें। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि क्या क्या चीजें आने वाली है इस सीरीज के अंदर, और उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर पसंद करेंगे कॉन्टेंट को, क्योंकि आपके तक कॉन्टेंट पहुंचाने से पहले बहुत रिसर्च लगती है, बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप एप्रिसिएशन नहीं देते लाइक कॉमेंट एंड शेयर करके, हाँ थोड़ी सी निराशा जरूर होती है, लेकिन उन लोगों से हौसला मिलता है जो लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं। तो यार, उम्मीद करता हूं कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा और आने वाली सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। पार्ट्स के लिए बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत जल्दी जल्दी पार्ट्स मिलेंगे। मार्केट एनालिसिस अगले एक महीने का, यानी जनवरी महीने में मार्केट क्या रहने वाला है पर्टिकुलर करेंसी पेयर को लेकर, यह भी आपको देखने को मिलेगा सीरीज के अंदर। वो बिल्कुल फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं है, मजा आएगा, मतलब इन शॉर्ट मजा आने वाला है सीरीज के अंदर। मुझे पता है वेट नहीं कर पाओगे, एंड इवन मैं भी वेट नहीं कर पाऊंगा अपलोड करने से पहले, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सीरीज को आने में, यानी कि पार्ट्स को आने में। लेकिन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है टेलीग्राम से।
एंड मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए सीरीज के पार्ट के साथ. सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.